तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जो छोटे मेमने ये हमारे फार्म पे आ चुके हैं। और सबसे छोटे वजन का जो मेमना है वो हमारे फार्म पे फर्स्ट टाइमर गॉट ने जो है दे दिया है। ये पहला मेमना है, और ये जो है दूसरा मेमना। मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि ये दूसरा मेमना है, और इसका वजन जो है बिल्कुल कम है, बहुत कम है। कि ऐसे मेमने जो है बिल्कुल बचते नहीं है, लेकिन ये फर्स्ट टाइमर जो गॉट है तो इसने दो बच्चे जो है दे दिए। तो ये दो बच्चे है इस तरीके से, जो जैसे कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो ये दो बच्चे है, तो ये नाइट में ब्याह चुकी है। तो अभी इसको जो है 24 से 48 घंटे हो गए हैं टोटल। जो दूसरा मेमना हमने इसका रिजल्ट निकाला हुआ था कि वो ये है, ठीक है। ये दूसरा वाला मेमना है जो कि ज़मीन पे गिरा हुआ था और उठ नहीं पा रहा था। तो इसके मैंने दो पार्ट में वीडियो डाल दिया है, तो आप वो भी जाके देख ले कि ये कैसे ठीक किया था हमने, इसको क्या क्या चीज़ें हमने यूज करी थी। और रही बात ये फर्स्ट टाइमर जितनी भी गॉट होती है, तो ये भी बच्चा फर्स्ट टाइमर गॉट का है। और दो छोटे जो मेमने हैं, तो ये भी दो फर्स्ट टाइमर गॉट के ही मेमने हैं। तो ये भी अभी बचे हुए हैं बिल्कुल, और इनमें अभी तक कोई समस्या नहीं आई। बाकी जिसमें ये जो वाला मेमना है ये भाग रहा है, ठीक है ना, ये देखिए। तो ये इसमें समस्या आई थी, ये गिरा हुआ था ज़मीन पे, चार पांच दिन ये पड़ा रहा और ये आज ठीक हो गया। देखिए खेल कूद रहा है अपना आराम से। तो ये मेमना है यहाँ पे गया है, ठीक है। तो ये ठीक हो गया बिल्कुल। और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूँ कि अभी जो है मैं इसको दे रहा हूँ जीवन मिक्सचर, ठीक है। ये ग्रेप वाटर की तरह आता है, इस पर काफ़ी सारी जो आयुर्वेदिक साल्ट होते हैं तो वो होते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ों पे ये काम करता है। तो आमतौर पे जो छोटे बच्चे हैं तो उसमें हम इसको यूज करेंगे। इसको यूज कर रहे हैं, और बाकी जो बकरी को जो है दूध बिल्कुल नहीं है, तो ये छोटा बॉटल है, बच्चों को इससे दूध पिलाया जाता है। तो इसमें हमने किसी और गॉट का जो है दूध हमने निकाल लिया था। यहाँ पे एक गॉट खड़ी है, ठीक है, इसका हमने दूध निकाला था क्योंकि वो भी ब्याई हुई थी। लेकिन इसका जो है एक बार अबॉर्शन हुआ था, जिसका मैंने वीडियो डाल के रखा है, तो इसका दूध अभी काम आ रहा है। तो ये जो बच्चे है जिनको दूध नहीं है, तो ये उससे हम निकाल लेंगे, बॉटल में भरेंगे इस तरीके से, तो इसको पिला देंगे। किस तरीके से पिलाते हैं तो आपको मैंने दिखा भी दिया है। तो ये हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि दूध नहीं है बकरी को, तो उसके लिए जो मैंने इसके ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना के रखा है, तो आपको देना क्या है। तो ये इस तरीके का प्रोडक्ट आता है, इसका जो है लेबल वगैरह फट गया है, तो इसका नाम मैं दे दूंगा आपको स्क्रीन पे, तो ये देख लेना। इसी तरह का साल्ट का इसी ऐसा ही प्रोडक्ट आपको अपने गॉट को जो है पर डे 15 से 20 ml तक अगर आप दोगे तो यहाँ पर दूध वगैरह बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट है, इसका नाम जो है मैं आपको स्क्रीन पे वगैरह दे दूंगा, तो वहाँ से जाके जो है आप इसको देख ले। बाकी यहाँ पे जो है मुर्गियाँ वगैरह दो टोकरी में हमने रखी हुई है, जो कि अपना फार्म का जो है साफ सफाई का काम करती है, क्योंकि ये कीड़े वगैरह होने नहीं देती अपने फार्म पे। तो इसी की वजह से दो ही मुर्गियाँ रखी है फार्म पे, ठीक है। ये होना ज़रूरी है, हर फार्म पे दो मुर्गियाँ होना ज़रूरी है। तो इस बार इन्होंने जो है अंडों पर मैंने बिठाया था इनको, तो चूजे इन्होंने निकाल दिए है। तो चूजों के साथ हमने इसको रखा है अपने टोकरी में, तो सुबह इनको छोड़ेंगे और ये जो है अपने फार्म के कीड़े वगैरह जो नीचे गिरे होते हैं तो वो खा लेंगे, ठीक है। ये एक समस्या है, ये एक चीज़ है। और दूसरी चीज़ है, इसके पहले हमने वीडियो बनाया था दो मेमनों के ऊपर, मैंने कहा था कि ये जो दो मेमने हैं इनको जो है हमने अलग जाली में रखा हुआ है। यहाँ पर मेमने हैं, ठीक है, ये जो चिल्ला रहे हैं यहाँ पर दो मेमने हैं, यहाँ पर चारा हमने जो ब्याई हुई बकरी है जिसको दूध नहीं, तो उसके लिए यहाँ पे रखा हुआ है। और रही बात जहाँ पे आप बच्चे रखते हो, ये छोटे मेमने, ठीक है, इसको आप देख ले, मेमनों को आप देख ले अच्छी तरीके से। और यहाँ पे जो ऊपर की तरफ है ना, यहाँ पे हमने 200 वैट का बल्ब लगा के रखा है। इसका रीज़न ये है कि बच्चे जब अपने फार्म पर अपने अलग जाली में रखते हैं, इनको किसी बकरी का पैर वगैरह नहीं लगता, और यह आराम से अपना इतनी जो पूरी जाली है तो इसके अंदर जो है बच्चे आराम से बैठ जाते हैं, और इनको जो है टेम्परेचर हमेशा होना ज़रूरी होता है। आपको हमेशा बल्ब के नीचे ही क्यों रखना पड़ता है, काफ़ी लोगों को ये सवाल होगा। तो जब मेमना जो है बकरी के पेट में होता है, तो वहाँ पे जो है जिस तरीके का जो है पेट में माहौल होता है, उसी तरीके का बाहर आने के बाद भी उसको माहौल मिलना चाहिए। कहने का मतलब, जब भी कोई बकरी ब्याती है, अगर आप बच्चे को पकड़ के देखेंगे तो बच्चा आपको गर्म नज़र आएगा, हमेशा टेम्परेचर उसको हमेशा होना चाहिए, क्योंकि
इसी से जो है बच्चा जो है बिल्कुल ठीक रहता है और काफ़ी आसानी होती है, बच्चों को कोई समस्या नहीं आती। और इस तरीके से ये जो बहुत छोटा मेमना है, ऐसे मेमने बचते नहीं है बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत कम वजन का है और इसकी हालत आप देख सकते हो। लेकिन दूध इसने पिया हुआ है, ठीक है। पहले दिन इसने जो है 3 घंटा बिल्कुल दूध नहीं पिया था, लेकिन आज जो है बिल्कुल ठीक है, एकदम स्वस्थ। तो ऐसे मेमने जो है बचते नहीं है, लेकिन ये बच गया है और फर्स्ट टाइमर गॉट है। तो 2 बच्चे इसने दे दिए, क्योंकि गॉट का जो है बॉडी स्ट्रक्चर भी इतना बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है, लेकिन क्या ही करे, दे दिए। तो अब इसको पालना पड़ेगा। ये फीमेल है और ये दूसरा जो है ये यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है। ये मेल है, ये ब्लैक कलर का है और इसके सर पे जो है चांद जैसा कुछ है, तो चांद तो नहीं है बिल्कुल। और जितनी सारी समस्या आती है और भी अपने फार्म पे, तो इसके इसके लिए आपको जो है अलग अलग वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप किस तरह की जानकारी जो है चैनल के माध्यम से देखना चाहोगे, आप कमेंट वगैरह नीचे करके बताइएगा। दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।